बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉवर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इस सेशन में एक्सरसाइज नंबर 10 करेंगे। छोटा सा सवाल है इसमें, रेट ऑफ़ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। असल में चीज़ ये है कि जब भी कभी आपको रेट ऑफ़ रिटर्न कैलकुलेट करना पड़े तो उसको कैसे आप कैलकुलेट करते हैं, ये एक इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में ये बात भी सिखाना मकसद है। तो सिंपल कि जितना आप नेट इनकम करते हैं और जितना आपने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, उस पे आपने देखना है कि आपके कैपिटल पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो इसी को रिटर्न ऑन कैपिटल कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर ए कंपनी हैड नेट इनकम $40,000, सेल्स 2 लाख एंड टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड $4 लाख। तो रिक्वायर्ड क्या है हमें, रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सिंपल, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इस क्वेश्चन में। रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेशन, तो इसमें हमारे पास नेट इनकम कितनी है, वो है $40,000, और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, $4 लाख। और हमने देखना है कि रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये नेट इनकम डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है जी। इसमें 40,000 प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ये नेट इनकम, और डिवाइडेड बाय 4 लाख कैपिटल, मल्टीप्लाई 100, और ये बनता है 10%। 10% जो है हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये आ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन इतना एंड हो जाता है और मजीद कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।